हेलो स्टूडेंट, एमबे इंटरनेशनल स्कूल से मैं रेणु शर्मा हूँ और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पार्ट एक भाषा लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। भाषा लिपि और व्याकरण, देखिए सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा और भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है। बच्चों, जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, वह संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी प्रारंभ समय में, तब वो संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखता था, अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वो मनुष्य क्या करता था, पत्थरों पर या चट्टानों पर कुछ संकेत लिख देता था, जिससे कि हम सामने वाले की बात को समझ पाते थे। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान करना कुछ आसान हो गया था। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, जैसे जैसे उसे शिक्षा प्राप्त होती गई, सभ्य होता गया, समय परिवर्तित होता गया, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता महसूस होने लगी। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य हुआ, समय निकला, तो उसको कुछ और आवश्यकता महसूस होने लगी, कुछ और अच्छे तरीके से मैं अपने विचारों को दूसरों तक कैसे व्यक्त कर सकता हूँ, जिसके फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। वर्तमान समय में भाषा का अत्यधिक महत्व है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। पशु पक्षियों में ऐसी विशेषता नहीं होती, केवल मानव ही है, मनुष्य ही है जो कि अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति कर बोल कर लिख कर के व्यक्त कर सकता है। भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का कार्य करते हैं। ध्वनियों के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के तक पहुँचाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते। भाषा क्या माध्यम है, क्या साधन है, जिसे हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखें और दूसरों के मन के भावों को भी हम जाने कि दूसरा क्या कहना चाहता है। जैसे हम किसी से कुछ कह रहे हैं तो सामने वाला भी, वह व्यक्ति भी हमें उसके बदले में क्या जवाब दे रहा है, उसका क्या हमें प्रत्युत्तर मिल रहा है। तो जो हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, जो भाव हैं हमारे, उसका सामने वाला भी वही जवाब देगा। अब हम भाषा के रूप देखते हैं कि भाषा कितनी प्रकार की बताई गई है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जो बोलकर या सुनकर व्यवहार में लाया जाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा का वह रूप जो बोलकर, या तो हम बोले या फिर हम सुने अपने कानों के द्वारा, व्यवहार में लाया जाता है, उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वही मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा का अस्थायी रूप है, ये स्थायी रूप नहीं है मौखिक भाषा, अस्थायी। मान लीजिए हमने किसी से कुछ कहा या किसी की कोई बात सुनी तो हम भूल जाते हैं। मनुष्य है, प्राणी है, वो स्थायी नहीं रहेगी लंबे समय तक, वो कुछ समय तक ही, इसलिए इसको अस्थायी नाम दिया गया है मौखिक भाषा को। जैसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनना, फोन पर बातचीत करना, हम बातचीत कर रहे हैं, वो स्थायी नहीं रहता है। भाषणों में या सभाओं में हम जाते हैं, जो बोल दिया वो स्थायी नहीं रहता है, वो शब्द नहीं स्थायी रहते हैं। हम अगर उनको दोबारा बिल्कुल ही वैसे ही शब्द बोलना चाहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। कहानी हम सुनते हैं, हम किससे फोन पर बातचीत कर रहे हैं, है ना, तो ये सब मौखिक भाषा का ही रूप है। अब आती है दूसरी, हमारी लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जो लिखकर व्यवहार में लाया जाता है, लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा का स्थायी रूप है, ये स्थायी रूप है, ये हमेशा सुरक्षित रहने वाला है। देखिए, जो लिखकर व्यवहार में लाया जाता है, जिसको हम लिखकर व्यक्त करते हैं, ठीक है, जैसे पत्र लिखना, ठीक है, कहानी लिखना, या फिर जो हमारी उपनिषद है, जो हमारे ग्रंथ है, वो भी लिखित भाषा में है, तभी तो हम उनके बारे में अभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो लिखित भाषा में थे, है ना, तो वो स्थायी रूप बन गया उसका। तो यही, और ये स्थायी रूप है, इसको हम आने वाली पीढ़ियों तक भी सुरक्षित रख सकते हैं। पत्र लेखन, निबंध लेखन, SMS करना आदि, ये सब भाषा का लिखित रूप है। अब थोड़ा सा हम और जान लेते हैं लिखित भाषा के बारे में कि जिसे भाषा का रूप, जिसे हम लिखा या पढ़ा जाए, वो लिखित भाषा कहलाती है। इसके पहले भी मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई। जैसे ऋतु पत्र लिख रही है और मनोज अखबार पढ़ रहा है, तो ऋतु पत्र लिख रही है, ये तो लिखित भाषा का रूप हो गया, ठीक है, और अखबार पढ़ रहा है, मनोज अखबार पढ़ रहा है, ये मौखिक रूप हो गया।
भाषा के इन दोनों माध्यमों के अतिरिक्त संकेतों के द्वारा भी भाव प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है। इन दो प्रकारों के अलावा भी हम संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, जैसे भूख लगने पर बच्चा रोता है, गूंगे व्यक्ति संकेतों के द्वारा ही अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। अतः इस प्रकार भाषा, इसे भाषा का कौन सा रूप कहा जाता है? सांकेतिक। एक तीसरा रूप है सांकेतिक, जिसको हम संकेतों के माध्यम से ठीक उसको व्यक्त करते हैं। हिंदी में भाषा के सांकेतिक रूप को महत्व नहीं दिया जाता है, सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं हिंदी भाषा में, मौखिक और लिखित रूप। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा बदलती रहती है जबकि लिखित भाषा नहीं बदलती। जो लिख दिया एक बार वो स्थायी रूप में हो जाता है, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए ये नहीं बदलती है। इसी गुण के कारण यह प्राचीन साहित्य को सुरक्षित रखने में सक्षम है, इसलिए मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का महत्व अधिक है। अब दूसरी आती है हमारी बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में, कोई विशेष क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली जो भाषा है उसका जो स्थानीय रूप है उसको बोली बोल कहा जाता है। जैसे मारवाड़, मारवाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि ये सब बोलियां हैं। अब हम अपने मन के भाव बचपन से जिस भाषा में बोलना और समझना सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है, जिससे हम अपने जिस परिवार में हम पले बड़े होते हैं, जिस व्यवहार में हम रहते हैं, जो व्यवहार में हम भाषा में बातचीत करते हैं, बोलना सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा होती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं, जैसे यूरोप के लोग अंग्रेजी, जापान के जापानी, चीन के चीनी भाषा बोलते हैं। हमारा देश एक विशाल देश है और हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली और पढ़ी जाती है। बहुत विशाल देश है हमारा और यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली और पढ़ी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं, जैसे देखिए यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, यहाँ पर राज्य और यहाँ भाषा का नाम है। कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, असम असमिया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम और बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। विश्व के अधिकतर देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और समझी जाती है। अब हम आते हैं लिपि। लिपि सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिनके द्वारा सभी अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं उनको लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उनको अलग अलग निश्चित किए गए हैं और उनके द्वारा ही हम अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, और जो ये चिन्ह होते हैं इन्हीं को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। एक तरीके से हम साधारण भाषा में जान सकते हैं कि बात करने लिखने का तरीका, ढंग या तरीका, कि हम किस तरीके से उस भाषा को लिखते हैं उसको ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, किंतु कुछ भाषाएं भिन्न होने पर उनकी लिपि एक है। संस्कृत, हिंदी और मराठी की लिपि देवनागरी, आपको याद रखना है कि संस्कृत, हिंदी और मराठी इनकी एक ही लिपि है, देवनागरी लिपि। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है, जैसे उर्दू या अरबी की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी तथा बंगला या बांग्ला की लिपि बंगाली है। अब हम आते हैं अपने दूसरे विषय पर, प्रकरण पर, व्याकरण। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसमें भाषा के संबंध में नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना आता है। किसी भी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए व्याकरण का एक बिल्कुल हम आपको संक्षिप्त में बताएं तो ये है कि जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है कि हमको किस तरीके से उसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है। जो व्याकरण का ज्ञान कराता है कि मात्राओं का, उसको लिखने का तरीका, किस तरीके से लिखना है उसको ही हम व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए, संपूर्ण ज्ञान के लिए हमको उसके व्याकरण का ज्ञान का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ में भाषा, व्याकरण और लिपि की परिभाषा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।